हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतिभाज होम एंड किचन। आज मैं लेकर आई हूँ आलू पराठे की रेसिपी। बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनेंगे यदि आप इस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। आलू पराठे बनाने के लिए हमें चाहिए बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ लिया है। 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, इन्हें भी हम बारीक काट लेंगे। 1 कटोरी गोभी है, इन्हें भी हम छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। 8 से 10 हरी मिर्च है, इसे भी हम बारीक काट लेंगे। यदि आप मिर्च कम खाते हैं तो कम डालें। 1/2 kg मैंने आलू लिया है, इन्हें मैंने उबालकर इनके छिलके हटाकर अच्छे से मैश कर लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई गर्म करेंगे और उसमें 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाए तो इसमें हम हरी मिर्च डाल लेंगे। 1/2 चम्मच कलौंजी और अजवाइन डालेंगे। इसके बाद हम कटा हुआ लहसुन डाल लेंगे। लहसुन को 1 मिनट के लिए भून लेंगे। इसके बाद हम कटा हुआ प्याज डाल लेंगे। अब प्याज को भी हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। हल्का सा प्याज का कलर चेंज होना है, उतने देर ही हमें इन्हें भूनना है। प्याज जब भून जाए तो इसमें हम कटा हुआ गोभी डाल लेंगे। अब गोभी को भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। गोभी को भूनते हुए लगभग 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें हल्दी डाल लेंगे। इसमें मैंने 1/2 चम्मच हल्दी डाला है। स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। 1 चम्मच नमक मैंने डाला है। अब हमें गोभी को तब तक भूनना है जब तक कि गोभी अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए और इसमें से तेल अलग होते हुए ना दिखाई देने लगे। लगातार हम चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। स्पून से इस तरह से दबा दबा कर हम चलाएँगे ताकि गोभी पकने के साथ साथ मैश भी होती जाए। तो ये गोभी हमारी भून चुकी है। अब हम इसमें मैश किया हुआ आलू डाल लेंगे। अब आलू और मसालों को हम 10 से 15 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लेंगे। इस तरीके से यदि आप आलू पराठे बनाते हैं तो आपके आलू पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। मैंने इसमें सिंपल प्याज का यूज किया है। इस समय सर्दियों में हरा प्याज हमें काफ़ी आसानी से मिल जाता है, तो आप इस प्याज की जगह हरे प्याज का यूज करें तो पराठे का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस तरीके से हमें आलूओं को चलाते हुए 10 से 15 मिनट के लिए भून लेना है। आलू जब भून जाए तो उसे हम एक प्लेट पे निकाल कर रख लेंगे और उसे ठंडा होने देंगे। अब हम चटनी बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे भुना हुआ टमाटर लिया है, इन्हें मैंने गैस पे एक जाली रख कर भून लिया था। अब हम टमाटर का छिलका हटा लेंगे। टमाटर को भूनने के बाद हमें धोना नहीं है, बस जब ये ठंडा हो जाए तो इसका हम छिलका हटाकर इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। टमाटर को अच्छे से मैश करने के बाद इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1 चम्मच सरसों तेल डाल लेंगे। सरसों तेल को हमें पकाकर नहीं डालना है, कच्चा ही डालना है। कटी हुई हरी मिर्च डाल लेंगे। आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो मिर्च थोड़ा अधिक भी डाल सकते हैं। बारीक कटा हुआ प्याज डाल लेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये तैयार है हमारी टमाटर की चटनी पराठे के साथ सर्व करने के लिए। अब हम पराठे के लिए आटा लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 kg गेहूँ का आटा लिया है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए जिस तरीके से हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं उसी तरह से हम आटा लगा लेंगे। आलू पराठे का आटा ना ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ना ज़्यादा हार्ड होता है। तो अब हम चलते हैं पराठे बनाने के लिए। ये हमारा आलू भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। आटे की छोटी सी लोई लेकर इस तरीके से हम हाथ पे दबाते हुए पेड़े बना लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और अंगूठे से इस तरीके से दबाते हुए इसे कटोरी का शेप देंगे। इस तरीके से कटोरी बना लेना है हमें। अब हम इसमें आलू वाला जो मसाला हमने तैयार किया है उसे डाल लेंगे। इसके अंदर जितना आलू आ सकता है आप उतना डाल लें, ज़्यादा भी ना डालें। ज़्यादा डालने से आपके पराठे फट जाएंगे। अब इसे हम इस तरीके से हाथों से दबाते हुए बंद कर लेंगे। गोल गोल इस तरीके से घुमाते जाएं और हाथ से दबाते हुए बंद कर लें। ऊपर जो आटा बच जाता है उसे आप
या तो निकाल लें काट कर, या फिर मोड़ कर उसी में दबा सकते हैं। अब हम इसमें फिर से थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और चकला बेलन की सहायता से इसे अब हम पराठे की शेप देंगे। इस तरीके से गोल गोल पराठे का शेप देते हुए हम इसे बेल लेंगे। आलू का पराठा ना ज़्यादा पतला होता है और ना ज़्यादा मोटा। अब एक तवा हम गर्म करेंगे और इस पे पराठे डाल लेंगे। पराठे जब नीचे से थोड़ी देर सिक जाएं तो इसे हम पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी सेक लेंगे। दोनों तरफ से पराठे को थोड़ी देर सेकने के बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे और पराठों को ब्राउन चित्ती आने तक दोनों तरफ से सेक लेंगे। मैंने यहाँ पर रिफाइन ऑयल का यूज किया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। इस तरीके से ब्राउन ब्राउन चित्ती आनी चाहिए पराठे पे। दोनों तरफ से हम ऐसे ही सेक लेंगे, उसके बाद हम पराठे को निकाल लेंगे। सारे पराठे हम इसी तरीके से सेक लेंगे। तो तैयार है हमारे आलू पराठे सर्व करने के लिए। आप इसे धनिया पत्ते की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर टमाटर की चटनी बनाई है, इनके साथ भी आलू पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।